फाइनली EMD अपने लोकोमोटिव्स की टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवेज के साथ शेयर करने के लिए एग्री हो गया और बस अब यहीं से शुरू हुई डेडिकेटेड डीजल पैसेंजर लोकोमोटिव की कैटेगरी में से आल्को के पैसेंजर लोकोमोटिव्स के डोमिनेंस के अंत की कहानी। राम राम दोस्तों, जून 2001 वो समय जब तक आल्को के पैसेंजर सीरीज के दोनों लोकोमोटिव्स यानी कि WDP-1 और WDP-3A का प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो गया था और इंडिया में अपनी एंट्री ले ली थी आल्को किलर EMD किंग्स WDP-4 और WDG-4 ने। दोस्तों ये हमारी सीरीज में अभी हम भारतीय रेल के डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव्स की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम WDG-4 की बात नहीं करेंगे। और अगर वापस से आए हमारे WDP-4 पे तो दोस्तों ये आज तक इंडिया का और इंडियन रेलवेज का फास्टेस्ट एवर डीजल लोकोमोटिव है और WEB-5 के सिवा ये सभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को भी स्पीड के मामले में हरा देता है, जिसे स्पीड लिमिट जरा भी परेशान नहीं करती और ये आराम से 200 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम टॉप स्पीड में भी चल सकता है। दोस्तों वैसे अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले वीडियो यानी कि WDP-1 और WDP-3A के बारे में जो हमने बनाया था वो अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो को उन दोनों से लिंक करने में काफ़ी आसानी होगी और आपको मज़ा आएगा ये पूरी सीरीज देखने में। अब दोस्तों हम हमारे आज के वीडियो में आगे बढ़े तो लोकोमोटिव नंबर 20,000 से लेकर 2009 तक यानी कि WDP-4 के पहले 10 यूनिट्स EMD द्वारा USA में मैन्युफैक्चर किए गए थे और फिर इन्हें इंडिया में इम्पोर्ट किया गया था। दोस्तों फिर बाद में कुछ WDP-4 आधे अधूरे बनकर नॉकडाउन कंडीशन में BLW वाराणसी आए थे, जिन्हें वहां असेंबल करके बनाया जाता था, लेकिन फिर जल्द ही 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया और फिर पूरी तरीके से WDP-4 हमारे BLW वाराणसी में ही बनने लगे। दोस्तों जब WDP-4 हमारे इंडिया में नए आए थे तब इंडियन रेलवेज को ये लोकोमोटिव्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि ये हमारे पुराने हो चले जा रहे एल्को लोकोमोटिव से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थे और माइक्रो प्रोसेसर जैसे नए फीचर्स के साथ लैस थे। दोस्तों बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, हॉर्स पावर, ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड हो गया, लेकिन इनका जो की पॉइंट था कि हमारे एल्को लोकोमोटिव से ज़्यादा एनर्जी और फ्यूल एफिशिएंट थे, इसलिए ये इंडियन रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और इन्हीं एडवांस्ड EMD WDP-4 ने इंडियन रेलवेज को प्रेरणा दी थी आल्को के प्लेटफॉर्म पे माइक्रो प्रोसेसर जैसे एडवांस्ड फीचर्स को इंटीग्रेट करके WDM-3D बनाने की। दोस्तों WDP-4 ने आने के साथ ही इंडियन रेलवेज की डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव्स की कैटेगरी में मानो आग ही लगा दी। आज तक इंडियन रेलवेज ने इतने ज़्यादा मॉडर्न डीजल लोकोमोटिव्स नहीं देखे थे, क्योंकि दोस्तों अभी तक इंडियन रेलवेज WDP-1 और WDP-3A जैसे पुराने एल्को लोकोमोटिव्स यूज़ कर रही थी, जो ये WDP-4 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े थे। इंडियन रेलवेज के लिए मानो ऐसा था कि उन्होंने डीजल लोकोमोटिव्स की कैटेगरी में सीधा एक पूरी की पूरी जनरेशन का ही जंप कर लिया हो। और तो और दोस्तों WDG-4 और WDP-4 ये दोनों ही EMD लोकोमोटिव्स आने के साथ ही हमारे इंडियन रेलवेज के ऐसे पहले डीजल लोकोमोटिव्स बन गए जो AC-to-AC ट्रैक्शन मोटर्स पे काम करते थे, वरना हमारे जितने भी पुराने एल्को लोकोमोटिव्स थे गुड्स हो या फिर पैसेंजर या फिर मिक्स्ड कैटेगरी के, वो सभी AC-to-DC ट्रैक्शन पर काम किया करते थे। और इसलिए दोस्तों 2007 से लेकर 2008 तक तो WDP-4 को BLW वाराणसी द्वारा फुल स्पीड में बनाया गया, लेकिन फिर जैसा हम सभी को पता है कि लोको पायलट्स को इसके लॉन्ग हुड की वजह से जब ये लोकोमोटिव लॉन्ग हुड फॉरवर्ड मोड में चलता था तो विजिबिलिटी की दिक्कत आती थी, इसलिए इनका प्रोडक्शन 2007 से लेकर 2008 के बीच बंद कर दिया गया था। दोस्तों हम सभी को पता है कि शुरुआत में जब ये लोकोमोटिव्स आए थे तब ऐसे दिखते थे, लेकिन बाद में विजिबिलिटी की प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने के लिए BLW वाराणसी द्वारा इनकी जो कैप प्रोफाइलिंग थी उसे थोड़ी वाइड कर दी गई, यानी कि इनके कैप को ऐसा बनाया गया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो कम नहीं हुई थी। दोस्तों इंडियन रेलवेज को इन WDP-4 लोकोमोटिव्स में फिर बाद में लोको पायलट्स की विजिबिलिटी की प्रॉब्लम के साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी बाद हम बात में करेंगे और जो हमारी WDP-4B की जन्मदाता बनी। तो दोस्तों पहले आप लोग WDP-4 के थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जान लीजिए, क्योंकि उसी से यह प्रॉब्लम जुड़ी है, तो आपको WDP-4B के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो वो समझने में आसानी होगी। दोस्तों सबसे पहले तो WDP-4 अपने 2 स्ट्रोक 16 सिलेंडर 710 G3B EMD वाले इंजन
और अपनी 4 EMD की ट्रैक्शन मोटर्स के साथ 4000 HP जनरेट करता था और ये 19.5 टन्स के पर एक्सल लोड के साथ एक 117 टन का लोकोमोटिव था। दोस्तों WDP4 को हमारे इंडियन ट्रैक्स पर 160 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड में चलने के लिए भी सर्टिफाई किया गया था, लेकिन ये कभी उतना गया ही नहीं। मैक्सिमम ये 130-140 किलोमीटर पर आर की स्पीड्स में ही चलता है जब भी ये पैसेंजर ट्रेन्स में लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि हर जगह हमारे इंडियन ट्रैक्स 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड को सपोर्ट नहीं करती। और दोस्तों ये वही लोकोमोटिव है जो टेल्गो ट्रायल्स के दौरान टेल्गो ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड में ले गया था और हमारे देश का फास्टेस्ट एवर डीजल लोकोमोटिव बन गया था। दोस्तों WDP4 4000 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आता था और 2001 से लेकर 2007 या फिर 2008 तक BLW वाराणसी द्वारा WDP4 के 100 या 102 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए जा चुके थे। अब दोस्तों जो मेन रीजन था WDP4 के डिसकंटिन्यू होने का, वो था इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन और दो ट्रैक्शन मोटर्स का ना होना। चलिए अब हम इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, फिर आपको सब जो सच्चाई है वो पता लग जाएगी WDP4 के बारे में। तो दोस्तों WDP4 BO1 1 BO व्हील कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता था, जो दिखता था तो कोको कॉन्फ़िगरेशन ही, यानी कि दोस्तों WDP4 के अंडर फ्रेम में जो बोगीज दी गई थी दोनों, उनमें दिए तो गए थे 3-3 व्हील्स यानी कि कोको कॉन्फ़िगरेशन वाले, लेकिन इनमें ट्रैक्शन मोटर सिर्फ 4 ही होती थी, यानी कि एक बोगी में 3 व्हील है तो उसमें से जो एक व्हील है दोस्तों वो ऐसे ही था, सिंपल एक्सल वाला, उसमें ट्रैक्शन मोटर नहीं थी। यानी दोस्तों WDP4 दिखने में भले ही 6 व्हील्स के साथ कोको कॉन्फ़िगरेशन वाला दिखता था, लेकिन इसके 6 में से सिर्फ 4 व्हील्स ही ट्रैक्शन मोटर पावर्ड होते थे, बाकी के जो 2 व्हील्स थे वो ऐसे ही अनपावर्ड एक्सल्स के साथ दिए गए थे। दोस्तों ये BO1 1 BO व्हील कॉन्फ़िगरेशन WDP4 को इसका वेट कम करने के लिए और इसे ज़्यादा एक्सीलरेशन और डीजलरेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया गया था, लेकिन वेट कम करने के चक्कर में WDP4 का ट्रैक्टिव एफर्ट भी कम हो गया। ये सिर्फ 264 किलोन्यूटन का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था, जो WDP3A से भी कम था। लेकिन दोस्तों WDP3A अपने कोको कॉन्फ़िगरेशन वाली 6 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ 296 किलोन्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था, वहीं WDP4 सिर्फ 4 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ 264 किलोन्यूटन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था। तो इस हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, इतना बेकार भी नहीं है ये। एक तरीके से दोस्तों WDP4 वेब 5 की तरह ही था कि अगर 15 से 16 कोचिस को 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड में ले जाना हो तो WDP4 आराम से इन्हें उड़ा के ले जाएगा, लेकिन अगर कोचिस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ WDP4 भी वेब 5 की तरह हाँफने लग जाएगा। और दोस्तों उस समय इंडियन रेलवेज का फोकस WDP4 के साथ 160 किलोमीटर पर आर की 15 से 16 कोच की ट्रेन चलाने का नहीं, बल्कि 100-110 किलोमीटर पर आर की 24 कोच की ट्रेन चलाने का था। और इसीलिए ही फिर दोस्तों WDP4 के ये लोअर ट्रैक्टिव एफर्ट वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए और WDP4 को और ज़्यादा पावर देने के लिए इंडियन रेलवेज ने WDP4 से रीबिल्ड करके WDP4 भी बनाया। दोस्तों WDP4 का BO1 1 BO कॉन्फ़िगरेशन हटाकर WDP4B में इंडियन रेलवेज ने ओरिजिनल 6 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ कोको कॉन्फ़िगरेशन दिया, जिसकी मदद से फिर WDP4B 4500 HP तक जनरेट करता था और इसका ट्रैक्टिव एफर्ट भी 264 किलोन्यूटन से लेकर सीधा 400 किलोन्यूटन हो गया, जो काफ़ी बड़ा जंप था दोस्तों। और इतने ट्रैक्टिव एफर्ट की मदद से तो WDP4B आराम से किसी भी 24 कोच वाली ट्रेन को 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड में लेकर जा सकता था। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा जंप मिला WDP4 को WDP4B की मदद से, चाहे वो हॉर्स पावर हो या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट के मामले में। लेकिन दोस्तों 6 ट्रैक्शन मोटर्स की वजह से WDP4 का थोड़ा पर एक्सल लोड बढ़ गया। WDP4 का पर एक्सल लोड 19.5 टन्स था 117 टन्स के टोटल वेट के साथ, वहीं दोस्तों WDP4B का पर एक्सल लोड 20.2 टन्स हो गया 121.2 टन्स के टोटल वेट के साथ। दोस्तों ये वेट इंक्रीज हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। 264 किलोन्यूटन के ट्रैक्टिव एफर्ट के सामने हमें 400 किलोन्यूटन ट्रैक्टिव एफर्ट मिला, और वो भी सिर्फ नॉमिनल वेट और पर एक्सल लोड इंक्रीज होने के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी दोस्तों, और दोस्तों इसका सारा श्रेय जाता है हमारी इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स को। वैसे आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि WDP4B को WDP4 से ना रिबिल्ड करते हुए WDG4 से रिबिल्ड करके बनाया हो, क्योंकि दोस्तों तब WDG4 भी 6 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ आता था और काफ़ी सक्सेसफुल गुड्स लोकोमोटिव था हमारी इंडियन रेलवेज का। वैसे दोस्तों WDP4B का वेट बढ़ा, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड थी उसे भी 140 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। दोस्तों WDP4B में
5000 लीटर का फ्यूल टैंक कर दिया गया, जो WDP-4 में केवल 4000 लीटर तक का था। दोस्तों आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश का सबसे फेमस WDP-4 भी यानी कि प्रतीक क्या आपको भी अच्छा लगता है। मुझे तो दोस्तों उसका जो रेड कलर है काफी ज्यादा पसंद आती है वो लिवरी। दोस्तों WDP-4B ने आते के साथ ही धूम मचा दी और WDP-4 का जो लोअर ट्रैक्टिव एफर्ट और हॉर्स पावर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया। दोस्तों WDP-4B में EMD के साथ साथ सीमेंस की ट्रैक्शन मोटर्स का भी बाद में यूज किया जाने लगा, जो काफी सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था इसके लॉन्ग हुड के कारण वो तो बाकी ही था, और इसलिए ही दोस्तों 2007 से लेकर 2010 तक WDP-4B के केवल 86 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया गया। अब दोस्तों आगे की स्टोरी हम हमारे इस डेडिकेटेड पैसेंजर डीजल लोकोमोटिव की वीडियो सीरीज के आखिरी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो सीरीज के आने वाला वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में किसी और नई सीरीज के साथ, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों भारत माता की जय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय श्री राम।